नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। परीक्षा तारीख में बदलाव कर दिया गया है। जेईई मेंस 2022 परीक्षा अब 21 अप्रैल 24 25 29 और 1 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemains.nta.nic.in पर जाकर जेईई मेंस 2022 संशोधित कार्यक्रम की जांच कर सकते हैं। हालांकि संशोधित कार्यक्रम देखने के लिए उम्मीदवार यहां से डायरेक्ट लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। वहीं 60 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग को बायोलॉजिकल ES कोर्बोवैक्स का टीका लगाया जाएगा। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा की जाएगी। इसमें खास बात यह रही कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इसके अलावा भाजपा सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर मेजे थपथपाने लगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू और प्रहलाद पटेल समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में लोकसभा मोदी मोदी के नारों से करीब एक मिनट तक गूंजती रही। कोरोना वायरस से मौत का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा मांगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के जाली कागज बनवाकर मुआवजे के लिए दावा किया जा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3116 नए मामले सामने आए हैं। कल ये आंकड़ा 3614 का था। अब मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद होने वाली कांग्रेस पार्टी की महामैराथन बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के 4 वरिष्ठ दिग्गज किनारा कर सकते हैं। समाचार चैनल NDTV के मुताबिक पार्टी की तरफ से लिए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण फैसलों के लिए आयोजित होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य एवं अन्य कारणों से इन नेताओं की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है। यूक्रेन पर हमले होने के पीछे असली वजह तो अमेरिका और नाटो ही है। भले ही दुनिया आज रूस को गलत ठहरा रही हो, लेकिन एक दिन उसे हकीकत जरूर पता लगेगा। पश्चिमी देश अपने अखबारों, न्यूज चैनल और रूस के खिलाफ ताबड़तोड़ खबरें दिखा रही है, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि इसकी जड़ कहां है। जो पश्चिमी देश परोस रहे हैं, बाकी के देश वही दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस हकीकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं दब जा रहे हैं। पेटीएम के शेयरों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को शेयर बाजार खुलने के साथ ही पेटीएम के शेयर के जबरदस्त पिटाई हुई है। पेटीएम का शेयर 12% नीचे फिसलकर 672 रुपए तक जा लुढ़का है, जो कि लिस्टिंग के बाद से सबसे निचला स्तर है। पेटीएम के शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ रुपए के नीचे 45,000 करोड़ के करीब आ गया है। राज्य सरकार ऋण के बोझ से लदे किसानों का ऋण माफ कर रही है। इसके लिए अब तक 9 लाख से अधिक किसानों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के 3 लाख एनपीए खाताधारक किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस मुद्दे पर आगामी 24 मार्च को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण समेत कई अन्य मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए पिछड़ी जातियों द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। ताजनगरी में फतेहाबाद विधानसभा से सपा के प्रत्याशी रूपाली दीक्षित को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। अब फिर से वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर क्षेत्र में काम करने में जुट गई हैं। 13 मार्च को उन्होंने फेसबुक लाइव आकर जहां अपने समर्थकों को हिम्मत दी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। इस बीच केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा विस्थापित कश्मीरी पंडितों की मदद का दावा किया है। इस पर केरल के भाजपा सांसद केजे अल्फोंस ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केरल कांग्रेस ने दावा किया है कि बीते 17 साल में कई कारणों के चलते 399 पंडितों की जान गई है, जबकि मुस्लिमों की जान इससे कई गुना ज्यादा गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य छोड़ने की बात करने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा दिल्ली चले गए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि मुनव्वर राणा के साथ उनका पूरा परिवार भी दिल्ली आ गया है। हालांकि मुनव्वर राणा किडनी की बीमारी से पीड़ित है और वो इलाज के लिए दिल्ली आए हैं। चीन में कोरोना के नए रूप में लौटने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से चीन से आने वालों पर रोक लगाने की मांग की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी को चीन में बढ़ते आंकड़ों के प्रति आगाह किया गया है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो चीन के आवागमन नियंत्रण पर विचार करे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब जीतने और हारने वाली पार्टियां अपना विश्लेषण कर रही है। समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ी और सहयोगियों के साथ 125 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने तो खूब जनसभाएं की है, लेकिन स्टार प्रचारक डिम्पल यादव ने पांचवें चरण से जनसभाओं का सिलसिला शुरू किया।
वैद्यनाथ धाम के नाम से चर्चित देवघर में महादेव के दर्शन के लिए पहुंचना और आसान होने जा रहा है। यहां पिछले लंबे समय से बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के सहयोग से देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो एयरलाइंस कंपनियां स्पाइसजेट और इंडिगो अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम और अनुपम खेर की द कश्मीर फाइल्स को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं। इन 3 दिनों में दोनों ही फिल्मों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर फिल्म के बजट से दोनों फिल्मों की तुलना की जाए तो द कश्मीर फाइल्स रिलीज के दूसरे दिन ही सुपरहिट का तमगा पा चुकी है। अब गली मोहल्ले में बिजली के नंगे तार नहीं दिखेंगे। बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों तक पहुंचने वाली बिजली तार को कवर रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए बिहार में विशेष अभियान चलाकर एरियर बंच केबल लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर काम शुरू हो जाएगा। भारत ने प्रसूति के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश के महापंजीयक द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार 2017 से 19 के बीच में एमएमआर अनुपात 113 से घटकर 103 हो गया है। मातृ मृत्यु अनुपात में लगातार 3rd साल गिरावट दर्ज की गई। ऐसा लगता है कि भारत साल 2030 से पहले इसे 70 तक लाने के सतत विकास लक्ष्य को पार कर लेगा। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद कल पहली बार भाजपा संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। 5 राज्यों में भाजपा ने 4 राज्यों में शानदार जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की वापसी से पार्टी नेताओं के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में गेंदबाजों को बिल्कुल मदद नहीं मिल पा रही है। रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट के बाद कराची में हो रहे दूसरे टेस्ट में भी बल्लेबाज बिना किसी परेशानी के रन बना रहे हैं। पाकिस्तान के इन बेजान पिचों पर कई पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट के जानकार सवाल उठा चुके हैं। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है, जिससे लोगों को बैंकिंग अपराध से सुरक्षित रख सके। पिछले कुछ सालों में डिजिटलाइजेशन का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐसे में लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए SBI के नए रूल्स लेकर आती रहती है। कुछ दिन पहले SBI ने अपने ग्राहकों को जानकारी देते हुए बताया कि बैंक ATM के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए OTP बेस्ड ट्रांजैक्शन की सुविधा देती है। अगर आप अपने लिए सपनों का आशियाना खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। दरअसल हाल के दिनों में लगभग सभी दिग्गज रियल एस्टेट डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। एक अनुमान के मुताबिक जबरदस्त मांग और कच्चे माल के दामों में भारी उछाल के मद्देनजर रियल एस्टेट डेवलपर्स ने रेडिएशनल प्रॉपर्टी की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। भारत के महान क्रिकेटर और पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि वो रविंद्र जडेजा को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में दबाव में नहीं आते। 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव ने कहा कि इस हरफनमौला खिलाड़ी की विशेषता ये है कि वो क्रिकेट के हर पहलू का आनंद लेते हैं, यही उनकी सफलता का कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव में रालोद को 8 सीटें मिली हैं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी की सभी इकाइयों और कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला लिया। इस चुनाव में RLD को 8 सीटें मिली हैं। इसकी जानकारी राष्ट्रीय लोकदल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी है। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर संसद में जवाब दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री HS पुरी ने कहा है कि हमारे पास कई ऐसे देशों के तुलनात्मक डेटा मौजूद है जहां 50 से 58% तक डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच एक नया संघर्ष छिड़ता दिख रहा है। इराक में स्थित अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर ईरान ने मिसाइल गिराने की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि ये सीरिया में इसराइल के हमलों के जवाब में दागी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेंस परीक्षा 2022 के पहले चरण की तारीख में बदलाव कर दिया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए आयोजित होने वाली JEE मेंस परीक्षा की तारीख को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। सुरक्षित निवेश के लिए फिक्स डिपॉजिट एक बेहतर विकल्प होता है। फिक्स डिपॉजिट पर बैंक की तरफ से ब्याज दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक को सामान्य के मुकाबले एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। कांग्रेस सांसद Karthi P. Chidambaram ने दावा किया है कि उन्हें संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल से जुड़ा सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय PMO इंडिया के YouTube चैनल के कंटेंट को मोनेटाइज किया जा रहा था। चिदम्बरम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के YouTube चैनल के बारे में मेरे प्रश्न को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ये प्राथमिक रूप से भारत सरकार की चिंता नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, सुमन सौरभ, सौरभ मिश्रा, शोभा कांत, शंकर मुखिया, जितेंद्र ठाकुर, समर राज, नन्नू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कांग्रेस को मिली करारी हार का मतलब देश में कांग्रेस की राजनीति का अंत है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही।
देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।